खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं दीपांग। शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र में आपका स्वागत है और मेरे साथ खास मेहमान एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप हिंदी अच्छी समझते हैं ये मैं जानता हूं। समझता हूं जी। तो पिछली बार ना आप 3 में थे ना 13 में थे, फिर भी आप ऐसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रहे थे। और पिछले चुनाव का जो सबसे तेज तर्रार हथियार था वो आपके पास था, लावरे वीडियो, आप वीडियो दिखाते थे। इस बार आप खुद मैदान में हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने जो अपनी तलवार है वो म्यान में रख दी है। क्यों? आप उस रंग में दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपके वो वीडियो नहीं है, आपके वो रंग नहीं है, आपके भाषण भी छोटे हैं। लोकसभा इलेक्शन के पहले भी मैंने कभी वीडियो नहीं दिखाए थे, तब क्या रंग नहीं थे क्या? एक इलेक्शन में मैंने वीडियो दिखा दिया, रंग आ गया? आप तो दिन भर 24 आवर्स इतने वीडियो दिखाते हैं। हम तो बहुत रंगीन हैं। तो क्या अच्छा इतने दिमाग के लगता नहीं आपसे? वो धार नहीं है, वो बात नहीं है, आएगी, लगा रहा हूं रोज। क्या है, शाम की सभाएं होती है तो सुबह यही काम करता हूं। अगले आगे आगे दिखाई देगा, शायद आपको कुछ जो चाहिए वो वीडियोस भी दिखेंगे। वीडियो भी दिखेंगे? तो आप एक बड़ा वादा कर रहे हैं कि पिछली बार की तरह इस बार वीडियो भी दिखेंगे जी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री भी दिखेंगे कि सिर्फ मुख्यमंत्री दिखेंगे? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री का तो वो लोकसभा में हो चुका ना, अभी महाराष्ट्र की इलेक्शन है। तो मतलब फडणवीस जी आप सावधान हो जाइए, वीडियो की बमबारी होने वाली है। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि चुनाव होते हैं तो सपनों के सौदागर आते हैं, अपना अपना सामान बेचते हैं। आप तो बिल्कुल वो कर रहे हैं जो दुनिया में कोई करता ही नहीं है। वो अच्छी बात है। अगर देखिए सरकार में रहो तो बात अलग है, लेकिन कुछ ऐसी ऐसा वक्त होता है जहां उस वक्त विपक्ष जो है उसे भी एक स्ट्रांग होने की जरूरत होती है। अगर सिर्फ ऐसी सरकारें आती रहेंगी और विपक्ष नहीं रहेगा तो सरकार को समझाएगा कौन? बाहर लोग इतने चिल्ला रहे हैं तो ये बातें सारी जो है वो सरकार के सामने रखेगा कौन? और अगर सरकार उस तरह से काम नहीं कर रही है तो उनके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। तो उसके लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन की जरूरत है, और मुझे लगता है कि सिर्फ ना कि महाराष्ट्र में इसकी जरूरत है, देश में भी जरूरत है। इतना बड़ा राज्य है, 20-20, 25-25 सीटें लड़ती हैं पार्टियां, वो कहती है हमारी सरकार बनेगी। आप सीधा बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, मैं तो विपक्ष में हूं। हंसी नहीं आती आपको? मैं हंसी नहीं आती उस वक्त जब वो पार्टी बोलती है, जब 30-30 सीटें लड़के अगर बोलती है कि हमारी सरकार आएगी। अगर आज मैं 104 कैंडिडेट मैंने खड़े किए हैं और मैं बोलूं कि मेरी सरकार चाहिए जिसके लिए 145 सीटें चाहिए जीत के आने के लिए, हंसी नहीं आएगी आपको? और जब मैं एक अच्छी बात कह रहा हूं कि मुझे विपक्ष की भूमिका निभाने दो, मुझे करने दो, तो आप पूछ रहे हैं कि भाई विपक्ष? अच्छा, ये कौन सा नया तरीका आ गया? ये तो किसी ने आज तक किया नहीं, ये तो आज तक किसी ने इसके ऊपर वोट मांगे नहीं है। जो रूटीन चीजें होती है ना वो मैं करता नहीं। आप कह रहे हैं कि जो रेगुलर चीज है वो आप नहीं करते हैं। मैं तो आपसे सीधे बोल रहा हूं कि आप वही करके देख लीजिए। क्या? इसलिए कह रहा हूं जो रेगुलर बातें हैं जो आप नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें 2009 का जो चुनाव हुआ 5.7% वोट, 14 का चुनाव हुआ आपकी पार्टी का वोट 3.1%। तो कुछ रेगुलरली हो जाए शायद उससे कुछ वोट बढ़ जाए। देखिए बात ऐसी है ना कि 2014 की इलेक्शन जो है उस वक्त एक हवा अलग थी, माहौल अलग था। तो ऐसे नहीं होता ना कि वो वही होता है कि भाई आप क्या कर रहे थे, वो नहीं होता। जब जनता पार्टी की जब 75 में जब इमरजेंसी आई, 77 में जब इलेक्शंस लगे तो जनता पार्टी आ गई। इंदिरा जी भी हारी थी, मुझे लगता है राजनारायण, इन्होंने इंदिरा जी को हराया था। आगे क्या हुआ राजनारायण जी का? तो ये सारी चीजें ऐसे परमानेंट नहीं होती।
एक बात आप मान रहे हैं कि आप चुनाव हार चुके हैं। हार चुका हूं, तभी आप कह रहे हैं कि मैं चुनाव हार चुका हूं, मैं तो विपक्ष में बैठूंगा। उसमें भी आप कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष भी मैं थोड़ा सा वहां से मिल जाए। नहीं नहीं, पहली बात आप समझ नहीं रहे, इसमें हार जीत की बात ही नहीं। अगर अगर हारा होता मैं दिमाग से तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता। अगर मैं लोगों के सामने मैं विपक्ष की भूमिका से मैं जा रहा हूं तो एक मुझे लगता है कि इस देश में एक नया ट्रेंड ला रहा हूं मैं। यानी आज अगर तुम आप मुंबई का अगर कोई एक अखबार है उसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें आया है पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि इस देश की भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर कांग्रेस के एक नेता इस तरह की बात अगर आज कर रहे हैं तो आप विपक्ष को कमजोर क्यों समझते हैं? ये मुझे कोई तरीका समझा नहीं कि एक दो पार्टियां जा रही है कि जिनको सत्ता मिले और जिसे सत्ता नहीं मिले वो विपक्ष में बैठे, उसे आप विपक्ष मानेंगे? और जो आदमी कह रहा है कि मुझे विपक्ष में बैठना है कि इस सरकार को इस सरकार के ऊपर एक अंकुश रखना है तो आप बोल रहे हार गया, ये कौन सी सोच है आपकी? पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप हारेंगे नहीं? आप हारेंगे तभी तो आप विपक्ष में रहेंगे। मैं वही बोल रहा हूं कि ये एक नया ट्रेंड मैं लाया हूं, मैंने लाया है कि मैं विपक्ष के लिए अगर मैं वोट मांगू, देखते तो है, एक्सपेरिमेंट है। आज तक किसी ने ऐसे वोट तो मांगे नहीं है ना, आपको भी आदत नहीं है ऐसी चीजों की? किसी को आदत किसी को आदत नहीं है। मुझे लगता है इसके आगे आदत लग जाएगी कि लोगों के जो सवाल है वो उठाने के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए। उसके लिए एक आदमी अगर इलेक्शन लड़ रहा है, एक पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, तो मुझे लगता है आपको शाबाशी देनी चाहिए। इस बात की शाबाशी तो देनी चाहिए कि आपको ये मालूम है कि इस बार हमारी दाल गलने वाली नहीं है, हम लोग हारने ही वाले हैं, वैसे भी हम सीट लड़ ही नहीं रहे हैं। हार तो हम बात, सीधे नहीं नहीं, आप हारने की बात जो कर रहे हैं ना वही गलत बात है। आदमी जब यहां से हारा रहता है ना, बराबर है, तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता ना। पर आपने कहा था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ये बातें कहीं आपने? मैंने इतना ही कहा था कि आप कांग्रेस हो, बाकी सारी जितनी पार्टियां हैं देश की वो बॉयकॉट करें। मैं करूंगा ऐसे नहीं कहा था मैंने। सारी पार्टियां अगर करे तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि हम लोग कह रहे हैं कि एक डेमोक्रेसी, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में विपक्ष की जो जितने विपक्ष है, जितनी पार्टियां हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक बैलेट वोटिंग नहीं आता ईवीएम के खिलाफ। ठीक, मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि मेरी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी जी। तो ये क्या नेगेटिव सोच नहीं है कि लोकतंत्र में? बिल्कुल नहीं है, हम चुनाव में जाएंगे ही नहीं। मेरा कहना है कि ये जो सोच है इसमें अगर हम लोग क्या चाहते हैं तो हम लोग क्लैरिटी चाहते हैं, ये गलत है क्या? अगर हम लोग जिस मशीन पे बटन दबा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो वोट हमें गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए जो पहले की जो सिस्टम थी, जो बैलेट वोटिंग की सिस्टम थी, जहां पे मैं सिक्का मारूं इसके ऊपर वही मैं देखूं और वो उस बॉक्स में डालूं, ये कोई गलत मांग थोड़ी है। दुनिया भर में इस तरह का वोटिंग अगर हो रहा है तो अगर हमने मांग की तो इसमें गलत क्या है? ये देखने में आया है जो पिछला चुनाव था जब आप खूब बोले थे, गरजे थे, बरसे थे सब पर, बिना चुनाव लड़े हुए भी आप गरज रहे थे, और उस चुनाव से इस चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है आपकी पार्टी और आपको लेकर। वो परिवर्तन है कि आप 8 घंटे बैठे रहे ईडी के दफ्तर में। एक तो मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि 8 घंटे तक आपने क्या कहानी बताई होगी, क्या किया होगा? 8 घंटे तो बहुत होते हैं। कुछ नहीं किया, आपके बारे में सोच रहा था 7 घंटा। नहीं, इसका तो धन्यवाद है आपको जी, बिल्कुल। पर मतलब 8 घंटे तक आप नहीं, क्या है, उनको किसी को दिखाना था कि हमने इतना टाइम इनकी इंक्वायरी की। अगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 1.5 घंटे की बात थी। क्योंकि कभी अब अगर वो क्या चीज है वो समझनी है, कोई मेरे पास सीए कोई भेज दे, कोई वकील भेज दे, मैं समझा दूंगा। तो क्या आपको लगता है कि वो अब एक दिल्ली के हाथ में, एक देखिए ना, आप अभी दिल्ली के हाथ में एक रिमोट आ गया है। अभी शरद पवार जी, उनके लिए एक न्यूज आ गई, न्यूज आ गई
ईडी की, उनको भी एक नोटिस आई है, ये न्यूज आती कहां से? आपको क्या लगता? बाकी जो है, बाकी जो कांग्रेस और बाकी जो लोग अभी जो बीजेपी में चले गए, जिनके ऊपर करप्शन के एक आरोप थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो तो बीजेपी में चले गए। क्यों चले गए एक बार पूछ तो लो। उनको धमकी आ गई। राज ठाकरे तो नहीं गया ना? राज ठाकरे गया तो नहीं, पर राज ठाकरे अब वो राज ठाकरे नहीं रहा। राज ठाकरे अब कुछ सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया। ये कहां से लग रहा है? यानी कि किसी कान के नीचे मारू तो ही मैं राज ठाकरे लगूंगा क्या? आपकी उम्मीद क्या है मुझसे? पर राज ठाकरे ये माइक फेंक के मारू तो राज ठाकरे लगेगा? ऐसे थोड़ी होता है। आपको क्या लगता है मैं घर पे मेरी बीवी के साथ भी ऐसी बात करता हूं और बीवी बोलती है नहीं बाहर जैसे दिखते हैं वैसे अंदर दिखते नहीं होते? ऐसे थोड़ी होता है। समय समय की बात होती है, जहां पे जाऊं जहां पे ऐसे आज मैं भड़कूंगा ऐसे थोड़ी होता है। पर राज ठाकरे को अगर आप देखें दिल्ली से जो हमें राज ठाकरे दिखाई देते हैं वो वही दिखाई देते हैं। दिल्ली से आप क्या क्या देखते हैं? ऐसे ऐसे राज ठाकरे हैं जो निर्माण और नवनिर्माण कम करते हैं और जिनके सैनिक लोग हैं जो पीटते हैं और अपने लोगों को ही पीटते हैं, सीमा पार की बात नहीं। देखिए मैं आपके चैनल के लिए मैं आंदोलन नहीं करता। आपको क्या फुटेज चाहिए ना वो मैं ये नहीं करता कि मैं ये अभी चैनल के लिए फुटेज दूंगा। ऐसे नहीं होता है। उस वक्त जब आंदोलन होता है तो होता है। आपको लगता है कि भाई बार बार वही फुटेज मिले, ऐसे नहीं होता। तब आप बोलेंगे नहीं नहीं सॉफ्ट हो गया क्या आजकल, बदल गए हैं। चलिए ये तो दिल्ली वाले हुए, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां भी अब लोग पत्रकार आपसे ये सवाल जरूर पूछते होंगे क्या कि ईडी के असर में आप थोड़े कोई से संबंध नहीं है। मैंने वो उसके बाद मैंने कहा था कि मेरी जबान बंद नहीं होगी। इसके बाद भी आप कुछ भी कोई भी आप ईडी लगा दो या फीडी लगा दो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे मेरे हाथ कहीं से गंदे नहीं है। अगर पत्थर के नीचे मेरे अगर हाथ होते ना तो मैं इनके ऊपर जो मैंने प्रचार किया, जो मैं प्रचार करता हूं, जो आंदोलन करता हूं, मैंने कर ही नहीं सकता था। फिर यानी आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं आपके आंखों में आंखें डाल के मैं जवाब दे रहा हूं, ये भी नहीं करता मैं। ये आपने पॉज लिया? पॉज मेरा था। मैं देख रहा था कि आप कितनी आंखों में आंखें डालते हैं। मेरा तो हो गया था। आपका मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये बात हुई थी इस बारे में कि ऐसा एक ग्रुप बनेगा, एक संगठन बनेगा, एक अलायंस बनेगा? क्या ऐसी कोई अलायंस की बात हुई थी जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस शामिल हो? और उसमें जो खबर है वो ये है कि कांग्रेस वाले कुछ आपसे परेशान थे, एनसीपी वालों। देखिए मैं आज तक ना इनके पास गया, मैं आपको याद होगा कि मैं अभी बीच में जब सोनिया जी के पास मैं गया था ये वीवीपैट और ईवीएम के बारे में जब बात करने के लिए गया था, तो पहला सेंटेंस यही था मेरा कि मैं अलायंस के लिए नहीं आया हूं। मैं जो आया हूं ये वीवीपैट और इन सारे, तो उन्होंने कहा मुझे मालूम है। तो मैं ना आज तक कभी कांग्रेस वालों के पास या एनसीपी वालों के पास मैं कभी अलायंस के लिए मैंने बात की है, ना सीट शेयरिंग की बात की है, ना आज तक किसी को भी पूछ लीजिए। यानी कि अगर जो आपको जवाब चाहिए वो मुझे लगता है कि अजीत पवार साहब जो है वो और वो जयंत पाटिल, इनको आप पूछ लीजिए, कांग्रेस के किसी नेता को पूछ लीजिए कि मैंने मेरी तरफ से कभी प्रस्ताव हुई, लोकसभा हो या अभी विधानसभा हो, कभी मेरी तरफ से कोई प्रस्ताव आया, सीट शेयरिंग की बात हुई या मेरे कोई पक्ष पार्टी के नेता उनके साथ कोई किसी ने बात की? किसी ने बात नहीं की, क्योंकि ये विधानसभा इलेक्शन के लिए अगर मुझे सामने जाना है तो मुझे किस तरह से सामने जाना है, मुझे क्या लोगों के सामने रखना है, क्योंकि जो 5 साल में हम लोग जो देख रहे हैं, केंद्र में भी देख रहे हैं और राज्य में भी देख रहे हैं कि या राज्य में अगर देखा जाए तो यहां का जो विपक्ष का जो नेता था कांग्रेस का वही भाजपा में चला गया। अब ये एक दिन की तो बात होती नहीं है, ये तो पहले से शुरू होगा तब इन्होंने निर्णय लिया ना। तो ये अगर आज की अगर असलियत देखी
या क्या हम लोग, मेरा जो निर्णय जो है विपक्ष का, ये बहुत प्रैक्टिकल निर्णय है आज के माहौल में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन में भी यही कैंपेन करूंगा। नेक्स्ट इलेक्शन में शायद मैं सत्ता के लिए वोट मांगूंगा। तो ये तो उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, और मुझे लगता है कि एक समय देखना चाहिए, तब आपको कौन सा निर्णय लेना चाहिए वो भी देखना चाहिए। इसके लिए आपकी जो मानसिकता जो होती है वो हारने की होती नहीं है। मुझे लगता है कि सिचुएशन क्या है उस हिसाब से आपको आगे जाना पड़ता है। आज लोगों को भी, लोगों के मन में भी आज महाराष्ट्र के एक इच्छा है कि एक अच्छा विपक्ष महाराष्ट्र में होना चाहिए, जो सरकार को अगर कुछ बुरे काम कर रहे हैं सरकार, तो उनको कोई सबक सिखाए। तो मुझे लगता है कि आज मेरी भूमिका जो ये है वो लोगों के सामने लेके जा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप बात करते हैं चुनावों में, प्रचार में जब आप बात करते हैं बेरोजगारी की, आप बात करते हैं किसानों की हालत की, आप बात करते हैं महंगाई की, विपक्ष कुल मिलाकर एक तरीके से जंग खाया विपक्ष है, बहुत ही आलसी किस्म का विपक्ष है। चुनाव के जब प्रचार होते हैं तभी वो दिखाई देता है और इन मुद्दों को उठाता है। उससे पहले इन मुद्दों पर कभी 10 लाख की भीड़ बॉम्बई में नहीं जुटाता है, 5 लाख की भीड़ पुणे में नहीं जुटाता है। विपक्ष भी अब एसी रूम का आदि हो गया है, सड़क पर नहीं आता, कंधे नहीं चढ़वाता, कुर्ते नहीं फड़वाता। ऐसे नहीं है, आप अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल में 10 साल में हमारी पार्टी ने जितने आंदोलन किए हैं, मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी ने इतने आंदोलन किए होंगे और रिजल्ट दिए हैं। वो टोल का हो या और कोई फुटपाथ का हो या ये जो हॉकर्स, बहुत सारी ऐसे आंदोलन हुए जहां पे हम लोगों ने रिजल्ट दिए लोगों को, और हमारे जो लोग जो है वो रास्ते पे है। मेरे ऊपर कम से कम 90 मेरे ऊपर केसेस है, हमारे लोगों के ऊपर केसेस है। वो केसेस क्या ऐसे ही नहीं आते है ना, और बाकी पार्टियों के लोगों को पूछ लीजिए कि आपके ऊपर कितने केसेस है, क्या किया था आपने, कौन से आंदोलन किए थे। तो वो जो विपक्ष जो रोड पे दिखना चाहिए वो तो दिख ही रहा था, हम लोग दिखा ही रहे थे। आज भी अगर बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम जब आते हैं महाराष्ट्र में, तो लोग मेरी पार्टी की तरफ आते हैं लोग। तो जो विपक्ष की भूमिका जो रास्ते पे दिखानी है वो तो हम लोग दिखा ही रहे थे। आज एक मांग कर रहे हैं कि हमें विधानसभा में वो भूमिका निभानी है। जो लोगों के मन में जो एक सरकार के प्रति जो एक क्या कहे एंगर है, जो भी कुछ है, वो बताएगा कौन, दिखाएगा कौन। और एक नई चीज है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एक विपक्ष के लिए वोट मांग रही है, एक ये नया ट्रेंड है जो आगे भी जाएगा। पर आप इसको बार बार ये कह रहे हैं कि बड़ा नया ट्रेंड है और मैंने बड़ा कमाल कर दिया। मैंने कमाल नहीं कर दिया है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। पर मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बात ऑप्शन, जब आप 104 सीटों के लिए लड़ेंगे, मेरे पास ऑप्शन था ना। क्या ऑप्शन था? इलेक्शन ना लड़ने का ऑप्शन था ना, ऐसे नहीं है। हाँ बिल्कुल, या बंद मुट्ठी रख सकता था, मैं बंद मुट्ठी रख सकता था, पर वो तो आपने रखी पिछले चुनाव में, लोकसभा में आपकी मुट्ठी बंद ही थी। नहीं नहीं, मैंने वो इसलिए किया क्योंकि आज अभी हाल तो जानते हैं आप, पैसे के हाल तो जानते हैं। सरकार के आशीर्वाद से सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग क्या कोई सरकार के आशीर्वाद से नहीं चल रहे हैं, आप भी नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि एक चैनल चलाना उसके लिए एक जो उसका क्या कहते हैं उसका रेवेन्यू मॉडल जो होता है वो खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। और आज की स्थिति, आज देश की स्थिति ऐसी है, राज्य की स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे उद्योग, बहुत सारे व्यवसाय बंद हो रहे हैं, लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, हजारों की लाखों लोग नौकरी से जा रहे हैं, सब लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, बैंक घोटाले हो रहे हैं, बैंक बंद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन के लिए जाके पैसे मांगना ये कोई आसान बात नहीं थी, ना लोकसभा के लिए। अभी विधानसभा में आप मेरे जो मेरे उम्मीदवार हैं उनको जाके पूछिए आप, वो कैसे लड़ रहे, क्या लड़ रहे हैं।
और उनके लिए सिर्फ एक ही सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं कि भाई एक मुझे हमें सभा दीजिए। तो ये कोई आसान बात नहीं होती आपको सवाल पूछना, ये जो बात है ये बहुत ठीक है, लेकिन हम लोग जिस रास्ते से गुजरते हैं वो कैसे गुजरते हैं वो हमें ही पता है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं चुनाव नहीं लड़ता। चुनाव लड़ते हुए तो आपके पास एक ही ऑप्शन था, है ना? चुनाव लड़ते हुए तो आपके पास एक ही ऑप्शन था कि मैं विपक्ष में रहूंगा। बिल्कुल। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आप सत्ता पक्ष को देखें, देखिए मैं 104 सीटें अगर मैं खड़ा कर रहा हूं, बराबर है, और अगर मैं कहता कि मेरे हाथ में सत्ता दो, हंसते नहीं क्या आप? आज मैं 104 सीटें खड़ी कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरे हाथ में विपक्ष दो, तो कोई गलत बात कर रहा हूं क्या? मतलब अगर मोटा मोटा जोड़ें, क्योंकि फिल्म की नगरी है यह, तो आप बाजीगर का रोल कर रहे हैं, हार के भी जीतना चाह रहे हैं आप। ये हार कहां से लाए मेरे को पता नहीं है, आपके गले में डालना चाहिए। पर जो सत्ता पक्ष है वो धारा 370 की बात कर रहा है। मैं उसके ऊपर मैंने कल कहा ना, ये 370 आपने जो किया है उसके लिए आपका अभिनंदन, लेकिन इसका महाराष्ट्र के प्रॉब्लम से क्या लेना देना है? पर आपको नहीं लगता कि धारा 370 का ऐसे महाराष्ट्र से कोई भी कनेक्शन है? आपको लगता है कोई कनेक्शन नहीं है? आपको लगता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा बिल्कुल नहीं है? देखिए वो बात अलग है ना, कश्मीर भारत का हिस्सा है, 370 कलम आपने निकाला है, वहां की स्थिति आप ठीक कर दीजिए। महाराष्ट्र की स्थिति आज ठीक नहीं है, वो ठीक कर दीजिए, उसके लिए 370 का कोई संबंध ही नहीं है ना। जो हमारा जो अपना जो कश्मीर है वो अपना ही होना चाहिए, वो अपना ही रहना चाहिए, जो काम करना चाहिए वो कश्मीर में करना चाहिए। यानी वहां पे अभी तक कोई टूर्स नहीं जा रहे हैं, कोई टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं, सब बंद है वहां पे, बराबर है। 370 निकाला, अच्छी बात है, लेकिन आज महाराष्ट्र में, कल की बात है, अमित शाह कहीं स्पीच दे रहे थे और वहां पे उन्होंने वो 370 कलम हमने निकाला वगैरह ये सारी बातें कर रहे हैं। पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में 14,000 किसानों ने आत्महत्या की है, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। वो जब भाषण दे रहे थे तभी कुछ बगल में किसी गांव में एक किसान ने आत्महत्या की। आज जो यहां के लोग जो रो रहे हैं, जिनकी नौकरियां जा रही हैं, जिनको जो बिजनेसेस है वो बंद हो रहे हैं, लोगों के जो बैंक में पैसे हैं वो इंश्योर्ड नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक में पैसे रखूं या नहीं रखूं, अगर रखूं तो अगर ये बैंक अगर घाटे में चली जाए तो हमारे पैसे कहां से आएंगे। इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हुए 370 का कैंपेन यहां पे महाराष्ट्र में आज करने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? जो आपने निर्णय लिया उसके लिए आपका अभिनंदन। बात आप महाराष्ट्र की करो ना। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि धारा 370 हमने वहां हटाई, हम मजबूत सरकार हैं, हम आगे भी ऐसे मजबूत फैसले लेंगे, महाराष्ट्र में जीतेंगे तो हमारा राज्यसभा में भी बहुमत आएगा, हम और भी काम करेंगे, इसलिए हमें वोट दीजिए। अभिनंदन। आदित्य ये जो चुनाव लड़ रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं, पर्सनली एक पॉलिटिशियन के तौर पर, जिस तरह की वो बातें करते हैं उस पर? नहीं देखिए, ये हर एक का एक अपना अपना ओपिनियन है कि अगर उसे इलेक्शन लड़नी है, कल मेरा बेटा है, अगर उसे इलेक्शन लड़नी है, अगर वो कन्विंस है तो मैं ना नहीं कहूंगा, अगर कन्विंस नहीं है तो कौन क्या कर सकता है। यानी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बाला साहब जो एक पहले से चित्रकार थे, व्यंग चित्रकार थे, तो उनको उस वक्त मेरे जब दादाजी थे तो उनको कहा था कि उनको जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में मत भेजना, इनका हाथ खराब हो जाएगा, स्कूल ऑफ आर्ट। अभी वो हर वक्त कहते थे कि स्कूल ऑफ आर्ट से कुछ नहीं होता उधर। जब उद्धव ने या मैंने, जब हम लोग स्कूल ऑफ आर्ट जाएंगे, जिस स्कूल ऑफ आर्ट जाएंगे, तो उन्होंने मना नहीं किया। यानी उनकी जो बातें हैं वो हमारे ऊपर कहीं डालने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। वैसे अगर हम लोग देखा जाए कि अगर हमारे
बच्चे अगर वो सोचते हैं कि अगर इलेक्शन लड़नी चाहिए, अगर वो कन्विंस्ड है, तो हम लोग उनको पीछे नहीं लेंगे। और उस तरह से अगर उन्होंने सोचा है कि इलेक्शन लड़नी चाहिए, तो मुझे लगता है उसमें गलत बात क्या है। तो उन्होंने आपसे आके आशीर्वाद लिया, आपको बताया, आपसे चर्चा नहीं की? नहीं, ऐसी कोई। पर आप उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रहे हैं, ये बात ठीक है? मुझे लगता है ये अच्छा जेस्चर है ना। चाचा अपने भतीजे को बढ़ा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि अगर वो खड़ा हो रहा है तो उस वक्त मुझे ये ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। वो क्या मानते हैं वो बात अलग है। दिल्ली में बहुत जब देखते हैं तो दिखाई देता है दिल्ली से ये सवाल। मैं यहाँ चूंकि बंबई में हूं तो यहां पूछ रहा हूं सीधे। ये कभी मन में नहीं आता कि मतलब अब हुआ बहुत ज्यादा, भतीजा भी चुनाव लड़ रहा है, उसके खिलाफ उम्मीदवार भी नहीं है, एक अच्छी बात भी है, अब नए नए लड़के अब आ रहे हैं मैदान में, गलत ट्रैक पे है। दिल्ली में ज्यादा मत रहिए, अब ज्यादातर मुंबई में रहिए, आप ट्रैक पे आ जाएंगे। ऐसे ये नहीं होता। धमकी है या प्रॉमिस है? दोनों है। ऐसे नहीं होता। नहीं, ऐसा कभी दिमाग में नहीं आता कि शिवसेना और मन से एक हो जाएं? अभी आप आगे जाइए। चलिए मैं आगे चले जाता हूं। क्या ये नहीं होता कि शरद पवार जो आपको इतनी बातें बताते हैं, आपकी बातें, आपकी खूब बातें भी होती हैं और आपकी बातें होती हुई दिखाई भी देती हैं दुनिया को, आप पूरा कार्यक्रम कर देते हैं एक साथ बैठ के, कि एक साथ मिलकर कुछ किया जाए? नहीं, ऐसी बातें कभी हुई नहीं हमारी। मुझे आपका दिल्ली का पैटर्न क्या है मुझे मालूम नहीं, दिल्ली में क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन महाराष्ट्र में ये आज तक की एक परंपरा रही है कि सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, बाकी सारी पार्टियां हो, उनके लीडर एक साथ बैठते हैं, कभी खाना खाते हैं, बाकी सारी चीजें होती है, गपशप होती है। ये आज तक का महाराष्ट्र की परंपरा है। जो विरोध होता है वो उनकी भूमिका के ऊपर होता है, व्यक्तिगत स्वर के ऐसे नहीं होता, यानी कि पर्सनल एलिगेशंस नहीं होते यहाँ पे। और ये महाराष्ट्र की बहुत पुरानी परंपरा है। मुझे लगता है कि अगर आप ये परंपरा समझ लेंगे तो पता चलेगा कि कौन किसको किसके साथ बात करता है। बात करने से कुछ नहीं होता ना, बातें तो होती रहती है। यानी वैसे देखा जाए तो गोपीनाथ मुंडे और शरद पवार जी की भी बातें होती रहती थी, प्रमोद महाजन और शरद पवार जी की बातें होती रहती थी। आप तो ये लोकसभा में तो देखते ही होंगे, ये सारी चीजें होती है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद पवार साहब के घर पे जाते हैं, तो कल क्या बीजेपी वालों को बोलेंगे? तो अभी बातें तो हो रही है तो एक साथ ज्वाइंट क्यों नहीं कर लेते? पर बात बात से ऐसी बात निकल नहीं जाती। नहीं होता ऐसे। आपको कितनी सीटें की आप उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं? कितनी सीटें जी? ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी, आप इस बार देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा तो मतलब कितनी? 24 को मिली? 24 को मिली? 24 परफेक्ट आंकड़ा बताता हूं आपको। ये मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब मैंने आपको पिछली लोकसभा इलेक्शन के इंटरव्यू भी दिया था। मैंने उस वक्त कहा था, मैं अनुमान ऐसे नहीं लगाता। राज ठाकरे, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।